आदाब नाजरीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। शहर हैदराबाद में आज एक शर्मनाक व अफसोसनाक वाकया पेश आया। खबर है शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह यूसुफ रहमतुल्लाह नामपल्ली से, जहां पर दरगाह शरीफ और मस्जिद की हुरमत को पामाल करते हुए आज कुछ अफराद ने बर्थडे पार्टी मनाई। सोर्सेस के मुताबिक, नाजरीन आप ये जो वीडियो में मंजर देख रहे हैं वो कोई बैंकेट हॉल या फंक्शन हॉल का नहीं है। ये मंजर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ऊपरी हिस्से का है, जहां पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन कुछ पैसों के लिए पैसों के भूखे लालची अफराद ने नमाज पढ़ने के सहन को बर्थडे पार्टी के लिए किराए पर दे दिया। जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर इन लालचियों ने बर्थडे पार्टी के लिए नमाज पढ़ने की जगह को तक दे दिया और इन लोगों ने सहन को ऐसे सजाया मानो ये कोई बैंक्वेट हॉल। सहन को फंक्शन के लिए बलून से सजाया गया और इन जगह पर वीडियो व फोटोग्राफी भी की गई और जूते व चप्पलों से घूमकर इस जगह की बेहरमती की गई। नाजरीन दरगाह के जिम्मेदारान हर वक्त कुछ ना कुछ मनमानी करते हुए दरगाह शरीफ में बेहरमती कर रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिर मुसलसल इतने बड़े गलतियां करने के बावजूद दरगाह के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह खान साहब इन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? मसीहुल्लाह खान साहब को चाहिए कि दरगाह शरीफ की हुरमत को पामाल करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए आइंदा इस तरह की कोई भी बेहरमती ना हो उसके लिए सख्त से सख्त इकदाम करे। पंचन के का बर्थडे का नहीं वजह क्या है निकालने का बोल Thank you.